पारस सीजन्स के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सीएम और सीई की वृद्धि के खिलाफ आपत्ति जताने के लिए पारस सीजन्स के निवासियों ने 19 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। धरना प्रदर्शन को लेकर निवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पारस सीजन्स के पारस बिल्डर प्रमोटर द्वारा लगातार वित्तीय शोषण और खराब रखरखाव सेवाओं को देखते हुए अचानक बढ़ाए गए मासिक मेंटेनेंस चार्ज अनुचित हैं। बिल्डर द्वारा हमारी सोसाइटी के निवासी हमारे एओए और निवासियों की बिना किसी सहमति व सूचना के बगैर हाल ही में बढ़े हुए कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज सीएम और बिजली शुल्क सीएई में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके चलते सोसाइटी के लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पारस सीजन सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि 6 नवंबर 2023 को रखरखाव शुल्क में लगभग 26% की अचानक वृद्धि के लिए बिल्डर के खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। टावर 1405 पे रहता हूँ मैं। ये इशू ये आया कि एक दिन हमारे पास नोटिस आया कि एक बिल्डर ने कैम बढ़ा दिया, 2 रुपये 20 पैसे से सीधा 2 रुपये 68 कर दिया। दूसरी बात, जो हमारा सिंकिंग फंड है जो कि 10 पैसा जाता है पर स्क्वायर फीट, जो 7 साल से जमा हो रहा है, उसको भी कैम में मर्ज कर दिया, उसमें जीएसटी लगा रहे हैं। तो एक तो जीएसटी डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट करेंगे हम कि जीएसटी चार्ज नहीं करते ये सिंकिंग फंड में। दूसरी बात, इन्होंने हमें 6 तारीख को बताया और बोला कि 5 तारीख से हमें लागू कर दिया है। मतलब आप हाइट ऑफ वो दिखाया कि सबसे पहले कि आपने एक दिन पहले काटना शुरू कर दिया बिजली का बिल, 7 तारीख को करा और तारीख को बताया 6 से लागू कर दिया। एक दिन बाद हमें बता रहे हैं कि हमने तुम्हारा कैंप बढ़ा दिया और ये है। और सबसे बड़ी बात, एक इन्होंने कंपोनेंट ऐड कर दिया है कॉमन एनर्जी वाला, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वाला। कैम में ऑलरेडी हम लिफ्ट की मेंटेनेंस के पैसे देते हैं लाइट वेट के, इन्होंने वो अलग से 22 पैसा रख दिया कि अब आप इसे अलग से दोगे। मतलब कोई डिस्कशन नहीं, एओए इलेक्टेड एओए बॉडी है, उनसे कोई डिस्कशन नहीं, सीधा बोल दिया कि आपको 22 पैसा देना पड़ेगा, जो कि छोटे फ्लैट कम से कम 180-190 फ्लैट बनता है, बड़े फ्लैट का 400 बनता है। तो बिल्डर ने इजीली 70-80 लाख महीने का साल का अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया फैसिलिटी के नाम पे। ना हमारी लीकेज सीवेज ठीक हो रही है, ना पेंडिंग रजिस्ट्री ठीक हो रही है। 350 फ्लैट्स की रेंट पेंडिंग रजिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, जो कि इनके ड्यूज नहीं दिए, इन्होंने अपने क्लियर नहीं किए, इसलिए अभी तक हो नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात, रिपेयर पेंट की हालत देख लीजिए, कोई रिपेयर पेंट शुरू करिए बंद कर देते हैं, कहते हैं पैसे दो। पैसे किस चीज़ के दो आप बताइए, इन्होंने बैलेंस शीट अभी तक शो नहीं करी है 7 साल से हमें। हम कहते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट दिखाओ हमें, अगर कहते लॉस है लॉस शेयर करें, कुछ शेयर नहीं करते सर। एंड ऑफ द डे ये है कि हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए ताकि आप इस चीज़ को उठाएं और इनसे कम से कम एक्सपेंस रिपोर्ट मांगे। सबसे पहली बात तो ये कैम वापस होना चाहिए कि बढ़ा हुआ है, ये फटा हुआ कैम है। इसके बहुत प्रोजेक्ट्स हैं सर। पारस टेरा इनका प्रोजेक्ट था जो कि हैंडओवर हो गया, इनकी इन हरकतों की वजह से वहाँ के जो प्रेजिडेंट साहब, उन्होंने हैंडओवर कर लिया। हमारी जो एओ है वो भी इस प्रोसेस में लग रही है कि अगर ऐसे चलेगा तो हैंडओवर लेना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। पर क्योंकि अभी न्यूली बड़ी हमारी फर्स्ट एओ है, उन्होंने हैंडओवर ले लिया अपने हाथ पे, गोल्डन पाम ने हैंडओवर ले लिया। इवेंचुअली ये हैंडओवर नहीं देते, कहते हैं देंगे पर हमारा पैसा ये है वो, देते भी नहीं है। हाँ हमारे नहीं आउटस्टैंडिंग इशू तो फिर अपने आप ही क्लियर करेंगे तो देते हैं। सब एक साथ अलग अलग करना चाहिए, ये सब कुछ अलग होना चाहिए। पर आप देखिए कितने सारे इश्यूज हैं पर कुछ काम नहीं करते, पैसा के नाम पे 1 रुपये खर्च नहीं करते, पेटी कैश बिल्डिंग की हालत देख लो सर, कुछ काम नहीं करते। और सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पे उनके तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि हमारे बेसमेंट की लीकेज की, ये आज हम 6-7 सालों से इनसे इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, न केवल बिल्डर को, यहाँ तक कि अथॉरिटी को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ना बिल्डर से ना अथॉरिटी से किसी से भी इसका सहयोग नहीं मिल रहा है। इस सारे मुद्दों को उन्होंने दरकिनार करते हुए केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए कैंप जैसे मुद्दे को उठा के बढ़ा दिया, और उसमें उन्होंने इतनी भी पेशेंस या इतनी भी तरीके से नहीं किया कि कम से कम वो हमारे से एक ऑडिटेड रिपोर्ट शेयर करें कि आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, आपके कितने आमदनी हो रही है, और आप रेसिडेंट से डिस्कस करते, एओए से डिस्कस करते, जो एक प्रॉपर तरीका होता है उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। सर, पहले मंथली चार्जेस कितना दे रहे थे? 2 रुपया 20 पैसा प्लस 10 पैसे सिंकिंग चार्ज था, 2 रुपये 30 पैसे टोटल था। आज के टाइम पे उन्होंने 2 रुपीज़ 98 पैसे कर दिया है, जिसमें से 268 उन्होंने वैसे लिखा है, जबकि उस एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो सिंकिंग पैसे को उसके साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। सिंकिंग पैसे इन्होंने अभी तक उसमें से जो नए बढ़ाए हैं उसमें से उन्होंने सिंकिंग पैसे अलग से नहीं दिखाए हैं। इस सोसाइटी का नाम पारस सीजन है, कैम जो है 66 पैसे बढ़ा दिया गया है एक बारी में ही बिना बताए। इस सोसाइटी में एक तो ये सारे जो है टावर के नीचे सारे पानी बह रहा है, सारा बेसमेंट सारे टूट रहे हैं, इसको मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है, ना पेंटिंग है ना कुछ है, यहाँ बहुत जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शर्मा है और मैं पारस सीजन सोसाइटी में रहती हूँ,
और ये प्रोटेस्ट बिल्डर के विदाउट इन्फॉर्मेशन कैंप चार्जेस इंक्रीज करने पे उठाया जा रहा है। और अब सडनली एक रीजनेबल अमाउंट होता है जिसको इंक्रीज करा जाता है विद एओ इन्फॉर्मेशन, वी हैव अ रजिस्टर्ड एओए, एओए को भी नहीं इन्फॉर्म किया गया और सडनली इंक्रीज कर दिया, ये तो तानाशाही है ना। इट्स नॉट अबाउट कि आप लीगली कुछ चीज़ कर रहे हो, नहीं परेशानियाँ तो बहुत सारे, रजिस्ट्री नहीं कर रखी है, सीपेज बहुत ज़्यादा है लोगों की, इवन सीलिंग पे इतनी ज़्यादा सीपेज है, ब्लैक फंगस है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बहुत बेकार है। लिटेरा में एक इतना बड़ा इंसिडेंस हो चुका है आप लोगों को पता है, उसके बाद भी ये लोग कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे कुछ भी, हम कोई एग्जैक्टली हम लोग खुद ही अपने लिए स्टेप्स ले रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स फॉर अस। प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण हम लोगों का ये है कि बिल्डर ने विदाउट रेजिडेंसी को इन्फॉर्म किए हुए तानाशाही रवैये से इन्होंने कैम चार्जेस बढ़ा दिया है, जो कि कैम चार्जेस 26% बढ़ाया है, इतना तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है। उस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं इन सभी बिल्डिंगों का हालत, बेसमेंट में जाके देखिए नके बराबर मेंटेनेंस है। जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट हैंडओवर हुआ भी नहीं उससे पहले से सीपेज की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि बारिश का पानी, बारिश तो छोड़ो वहाँ पर 12 महीने तक बारिश होती रहती है बेसमेंट में। बिल्डिंगों की हालत आप देख सकते हो चारों तरफ क्या हालत है, कोई भी बालकनी में आके खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी ऊपर से नीचे प्लास्टर नीचे आ सकता है। तो बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा रद्दी है, ये समझ लो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं बड़े डर और बहुत ही घटिया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। डिस्कस करना चाहिए हम लोगों से, आपस में पहले डिस्कस करना चाहिए था, जो उसके बाद मतलब इनको पैसा बढ़ाना चाहिए, जो अगर जो हम लोग सहमत हो, जब आपका काम क्या हो रहा है ये बताइए, बेसमेंट में आज तक साला वो पानी नहीं रुकता, यहाँ मतलब आदमी बदबू के मारे वैसी मर जाए, इसमें है क्या ना मंदिर के लिए कोई इन्होंने मतलब प्रावधान किया बताइए, रजिस्ट्री का इन्होंने आज तक है, मतलब इन्होंने रजिस्ट्री का इन्होंने क्या उठाया, मतलब ये बताइए रजिस्ट्री कराई है इन्होंने आज तक, नहीं चार्जेस किस लिए बढ़ाए हैं इन्होंने, क्या करवाएंगे ये बताइए, अरे क्या करवाएंगे ये है इनके पास जवाब, दिवाली पे क्या कहते हैं दीपावली पे इन्होंने मना कर दिया साहब, वो कारीगर काम करने नहीं जाएगा घरों पे जो वर्कर हैं, और उसके लिए दूसरे घरों में जा रहे हैं पैसा ले रहे हैं, और इनके इनके वर्कर को इनके दिखाया हमने जाकर वहाँ पर कि बोले आप वीडियो बना लो, हम बोले हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, आज तक क्या एक्शन लिया इन्होंने, और बिल्डिंग की हालत देख लो मतलब कितनी खराब है, जर्जर हालत में पड़ी हुई है, कभी इन लो इन इन्होंने हर चीज में अरे क्या कहाँ तक बताएंगे आप, ये 420 धोखाधड़ियाँ करना इन लोगों का काम है और क्या है।